अयोध्या में श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा पर्व राष्ट्रीय एकता का पर्व है। सभी 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीपक जलाकर इस पर्व को हर्षोल्लास से भागीदारी करें। उद्गार भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने आज बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत श्री राम पार्क सेक्टर 51 और आर्किड पेटल्स सेक्टर 49 में जनसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मसलों को भी बड़ी सूझबूझ से सुलझाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में बन रहा श्री राम मंदिर देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरी कर रहा है। सदियों से देश के लोग राम मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे थे। राम मंदिर इंतजार की घड़ियां पूरी होने जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का राष्ट्रीय पर्व पूरा देश मनाने जा रहा है। राव नरवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। 2014 में आप लोगों ने मुझे बादशाहपुर से विधायक बनाया। लोक निर्माण मंत्री रहते हुए मैंने गुरुग्राम जिले के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया। लगभग 9600 करोड़ की लागत से बने द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना एलिवेटेड हाईवे को अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए राव ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने इलाके के विकास की मेरी हर मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि शीतला माता मंदिर के जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल रहा है और वह साल भर में पूरा भी हो जाएगा। यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। तकरीबन 4-4.5 साल के बाद शायद मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं 2014 में पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा, तो उससे पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव लड़ता था और हमारा ये बादशाहपुर का इलाका था, समस्तपुर गांव में पड़ता, ये भी गुड़गांव था, ये बादशाहपुर, उसमें 16 हल्के में नहीं था। पार्टी ने टिकट दी और मैं यहाँ से विधायक बना आपके सहयोग और आशीर्वाद से, और जो कुछ काम करने की कोशिश करी वो आप लोगों के सामने। अब मैं ये कहूँ मैं ये कर सकता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन देश में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश और प्रदेश में पिछले सालों से जब से देश आजाद हुआ 1952 से चुनाव चालू हुए और उन 2014 तक इतने विकास के काम नहीं हुए जितने इन 10 सालों में हुए। देश का नाम भी हुआ और हरियाणा में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रही। गुड़गांव जिला है जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है। आम आदमी ये कहता है जो गुड़गांव में रहने वाले हमारे खास तौर से अहिदवाल में रहने वाले लोग, ये सरकार हम बनाते हैं, और जब विकास का नंबर आता तो विकास दूसरे जिलों में होता है। और ये ठीक भी देखने में भी लगता था कि जो मुख्यमंत्री बनता हो चाहे हिसार का बना, भिवाड़ी, सिरसा, रोहतक, वो हमारे यहाँ कम विकास के काम होते थे, उन जिलों में ज्यादा काम होते थे। हम जब आम गुजरते थे तो दिखता था, लेकिन इन 10 सालों में आपको ये लगा होगा कि और सरकारों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। हमारा गुड़गांव में जब हरियाणा बना तो गुड़गांव 7 जिलों में 1 जिला था, आज हरियाणा में 22 जिले हैं। जो 20 साल पहले बने, 25 साल पहले, 15 साल पहले जिले बने, उनमें भी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बढ़ गई, लेकिन गुड़गांव में नहीं बनी। 2014 आने के बाद हमारी सरकार ने गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनी। ये छोटा काम नहीं, कोई 150 करोड़ रुपए का काम नहीं, हजारों करोड़ रुपए में यूनिवर्सिटी बनती। मेडिकल कॉलेज खेड़ की माजरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ के तैयार होने वाला है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा, हम गुड़गांव माता शीतला माता को हम पूछते हैं, शीतला माता का मंदिर में जाते हैं और जब दर्शनों के दिन होते हैं तो उन दिनों में इतनी भीड़ लगती है, लाखों आदमी बाहर से जात देने के लिए आते हैं। उसे बड़ी समस्या थी लोगों को आने के लिए, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, एक सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसका साल भर में वो तैयार हो जाएगा। एक बहुत अच्छा काम सरकार ने यहाँ किया है। ऐसे विकास के काम रोडों के, किसी ने मांग नहीं करी थी कि भाई हम सोना जाते हैं राजीव चौक से तो हमें बादशाहपुर सुभाष चौक पर घंटों घंटों जाम लगता है, बादशाहपुर एलिवेटेड, और सोच भी नहीं सकता था 1900 करोड़ रुपए का हमने बनवाया। आप चालू आज सोना जाना चाहे राजीव चौक से 15-16 मिनट आपको नए गुड़गांव पुराने गुड़गांव जाना इतना ही टाइम लगेगा, इतना ही टाइम आपको सोना जाने में लगता है। साथ ही आपको यकीन होगा द्वारका एक्सप्रेस वे ये 28 किलोमीटर का है। गुड़गांव की कनेक्टिविटी दिल्ली से 2 थी, एक NH8 और एक मैरोली गुड़गांव रोड।
कई बार हम मीटिंग में जाते हैं, जब मैं गडकरी जी पास में देखा जी गुड़गांव की कनेक्टिविटी नहीं, और कई बार तो एयरपोर्ट जाने में हवाई जहाज भी छूट जाती है, किसी को मेडिकल फैसिलिटी दिल्ली में चाहिए तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा जी हमारा एक हुड्डा का रोड है जिसको NPR SPR बोलते हैं, यदि इसकी आप कनेक्टिविटी दिल्ली से जोड़ दो तो हो जाएगा, निकल जाएगा। दिल्ली में हमारी सरकार नहीं, आप पार्टी की सरकार है, इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दो। आपको यकीन नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे मीटिंग में, उन्होंने कहा कितना खर्चा लगेगा, तो मैंने वैसे कह दीजिए, मैं मेरी विधानसभा और सारा ये खेल के दौला से मजघेड़ा तक सारी वासापुर विधानसभा पड़ती है, मैं कह मैं आपका स्टेट का मिनिस्टर हूँ, 400-500 करोड़ रुपये खर्चा आएंगे। उन्होंने कहा वो सारे अधिकारी बैठे थे, एजेंडा आइटम इसको डालो, इसकी सर्वे करो, और आपको यकीन है वो नहा बदली 9600 करोड़ रुपये का बन के तैयार। तो सोचिए सरकार की, तो कहना कि सरकार ने ये काम की, छोटे छोटे काम नहीं बहुत काम होते हैं। तो मैं, आपने मेरा काम देखा, मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। 2019 में राजनीतिक कारणों से भाई मेरी टिकट कट गई, मेरी पार्टी से कोई दुश्मनी व्यक्तिगत तो है नहीं, कई बार राजनीतिक गोटियाँ हर बार नहीं चलती आपके पार्टी, और पिछली बार तो कुछ ये भी था कि 75 पार का नारा था कि भाई जिसको दे देंगे वो बन जाएगा, लेकिन वो बन नया भी बढ़ा कर टिकट दे कर देख ली। तो हर पार्टी अब सर्वे करवाती है तकरीबन, पहले तो BJP कराया करते, अब सभी राजनीतिक दल करवाते हैं। तो यदि आप लोगों की आवाज जाएगी तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे टिकट मिल जाएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। कि भाई ये मोदी जी की गारंटी, ये नरवीर सिंह की गारंटी, काम में कोई कमी नहीं होगी। और भाई एक निवेदन हो रहा है, सदियों से हमारे पूर्वज एक बात देखते आए थे कि राम मंदिर की स्थापना कब होगी, मुझे हमारा सौभाग्य है कि राम मंदिर की स्थापना हो रही है और 22 जनवरी को हो रही है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिवाली की तरह इसको अपने जहाँ जहाँ आपके आस पास मंदिर है घर है सब दिए जलाकर इसका स्वागत करें।